पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बम्पर जीत में प्रशांत किशोर का जो योगदान है वो हर कोई भली भांति जानता है। ऐसे में नई दिल्ली में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस के कई अन्य जो बड़े नेता हैं वो भी मौजूद रहे। बात की जाए तो प्रियंका गांधी भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रही हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस में अंदरूनी खींचातनी है, इस मुलाकात को उससे ही जोड़कर देखा जा रहा है। बात की जाए तो कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस नेतृत्व जो पंजाब में है उस पर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की तारीफ कर दी है, जिसके बाद जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो लगातार नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू मानने के लिए तैयार नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू ने सीधा सीधा जो मोर्चा है वो पंजाब के मुख्यमंत्री और अपने ही पार्टी के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ खोल दिया है, और यही कारण है कि लगातार जो दिल्ली में बैठकों का दौर है उसमें चर्चा पंजाब की हो रही है। बताते चले कि नवजोत सिंह सिद्धू ने तारीफ़ की थी आम आदमी पार्टी की और कहा था कि जिस विजन को मैं देख रहा हूं उसी विजन पर आम आदमी पार्टी काम कर रही है। ऐसे में अब जब पीके ने राहुल गांधी से मुलाकात की है तो कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को किस तरीके से मनाया जाए इसको लेकर प्रशांत किशोर के साथ राहुल गांधी ने मुलाकात की है। बताते चले कि अगले ही साल यानी कि 2022 में पंजाब में चुनाव है, और कहा जा रहा है कि कांग्रेस में जिस तरीके से खींचातनी है कहीं ना कहीं कांग्रेस परेशान है, और यही कारण है कि अब प्रशांत किशोर को कांग्रेस में मचे घमासान को शांत करने के लिए बुलाया गया है। बात की जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू ने आपकी तारीफ करते हुए कहा था कि जिस विजन को मैं देखता हूं उस विजन को विपक्षी पार्टी बेहतर ढंग से समझ पाती है। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो बदहाली थी, बात अगर की जाए ड्रग्स को लेकर या किसानों की बदहाली की, तो इन तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से मैंने अपने विचार रखे हैं उस विचार को भली भांति आप समझ रही हैं। जैसे ही ये बयान आया उसके बाद कांग्रेस ने हाई लेवल की जो मीटिंग है वो बुलाई। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता बैठक किए, लेकिन नवजोत सिंह मानने के लिए तैयार नहीं है, और यही कारण है कि अब प्रशांत किशोर की एंट्री कराई गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जहां पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी खींचातनी है, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जब राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे हैं तो आने वाले समय में कौन सा नया जो रणनीति है वो तैयार पंजाब के लिए किया जाएगा। आप बने रहे फर्स्ट वेयर झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।